यहीं पर ना एक गाना है इसी में बेमिसाल करके, दूसरे कवि की जो है नकल करी है उस गाने में, ठीक है आप समझ ही होंगे। तो किस तरह से देखते हो, मतलब एमसी नाम भी ले सकते हो, एमसी स्टैन, एमसी स्टैन, और एक एक वीडियो थी आपकी जो काफी ज्यादा यूट्यूब पे वायरल भी हुई, जिसमें आप किसी एक घर के बाहर बैठे हुए थे। भाई हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि तुम सब कर लो मेरे साथ, मेरी गर्दन काट दो, पर मेरी माँ के लिए अपशब्द मत इस्तेमाल करो। अपना पता है मुझे कि मैं सबसे ज्यादा भूखा हूँ यहाँ पे। झूठ चेहरे पे बोलूं तो फिर खास कैसे हुआ, सच बोला ना तो फिर दिल के पास कैसे हुआ, उम्मीदों पे खरानी तो तेरी आस कैसे हुआ, ये इंसानियत है जलती, ये कोई घास का नहीं धुआं। ये अल्फाज नहीं मेरे बल्कि एक यूपी के लौंडे के हैं, जिसकी बातें होती टफ ये मैंने उसके फैंस बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या आप भी यही सोच रहे हैं, अरे पैंथर कहती है जिसे दुनिया, आज उसी के हम राज खोल रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी हैव द वन एंड ओनली पैंथर। शुक्रिया भाई, क्या बात है यार, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और गाने जो तुम्हारे हैं एकदम बवाल मचा रहे हैं इंडस्ट्री में, कमाल का मतलब चल रहा है, 4.6 मिलियन, मिलियन के नीचे अभी बात नहीं हो रही है फिलहाल, इन दिनों देखा जा रहा है। कैसा लग रहा है, राम राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था अयोध्या में, वो हाल ही में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मिक्स टेप का जो आपकी नई मिक्स टेप आई है उसका आगाज, क्या क्या फीलिंग है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मिक्स टेप निकाल दिया हमने। हाँ। और अब वही है, काम चालू है, मेहनत चालू है, उसी पे लगे हुए हैं सारे। अच्छा शुरू से शुरू करते हैं, चलिए है ना, जहाँ से पैंथर जो है दुनिया की नजरों में आया कि हाँ भाई पैंथर भी है, ठीक है, MTV हसल 2.0 जी, लोरिया गाना आया आपका। हाँ जी, है ना, मुझे बड़ा पसंद आया, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा एज आर्टिस्ट की कला को जो देखते हैं। हाँ जी, तो आपका स्पेक्ट्रा का परफॉर्मेंस बहुत तोड़। हाँ जी, लेकिन जजेस के जब कमेंट आए तो हम सब शॉक कि भाई निकाल ही दिए गए नेगेटिव, मतलब ठीक है एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक है ओके ओके, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म जब हुआ तो फिर कैसा लगा उस टाइम पे? देखिए मैं जब गाने बनाता हूँ ना तो मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैं जनता के लिए गाने बना रहा हूँ, मैं जजेस के लिए गाने बना रहा हूँ, मैं जब अपनी कला अपना म्यूजिक बना रहा होता हूँ तो मेरा बस एक ही इंटेंट होता है कि मैं उसमें अपनी आर्ट का 200% दे रहा हूँ। और मैंने लोरियाँ और आज तक भी जितना म्यूजिक करा है वो हमेशा इसी पर्पस से करा है कि आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, बाकी जजेस क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, उससे मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, मेरे को कला से प्योर रहना है, दैट्स द होल ओनली गोल। अच्छा यहाँ पर एक और चीज चलती कि जैसे MTV3 और जो सीजन 2 आया तो दोनों सीजन्स को काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है, ठीक है कि भाई 2 में इतने सारे थे इतने बढ़िया बढ़िया, 3 में ऐसे, तो क्या लगता है क्या रीजन है कि जनता ने 2 को इतना प्यार दिया लेकिन 3 को इतना प्यार ना मिल पाया? देखिए मेरा तो मानना यही है कि किसी कलाकार को किसी दूसरे कलाकार से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ऐसे किसी एक सीजन को दूसरे सीजन से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अलग है। हाँ। हम अलग थे, मेरा फेवरेट 2 है क्योंकि मैं खुद 2 में था। हाँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात, और मेरे सारे कंटेस्टेंट्स भाई हैं, दोस्त हैं, और सब वी आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स राइट नाउ, तो मेरे लिए तो सीजन 2 इज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 100 सीजन आ जाए मेरे लिए तो 2 ही बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो वो चीज है। अच्छा, जैसे आपकी बात करें, पैराडॉक्स भाई की बात करें, किंग भाई की बात करें, कंसिस्टेंसी जो कहते हैं ना, फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, मतलब आर्टिस्ट निकलने के बाद हसल से बहुत कम आर्टिस्ट दिखते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाते हैं, तो मतलब अंतर क्या है, कंसिस्टेंसी कौन रख पाता है और कौन नहीं रख पाता आपके हिसाब से? यार मेरे को तो लगता है कि अपना पता है मुझे कि मैं सबसे ज्यादा भूखा हूँ यहाँ पे, और मैं सब खाने आया हूँ, सब कुछ, और मैं सब खा के जाऊंगा, और उसी के लिए मुझे गाने निकालना पसंद है। पहले जनता नहीं थी सुनने के लिए, हसल के बाद अब मेरे पास जनता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको अपना बेस्ट से बेस्ट पीस ऑफ आर्ट, पीस ऑफ म्यूजिक दे पाऊं। अच्छा फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी जो आपका मिक्स टेप आया है, उसमें काफी सारे गाने, परिंदा, ओके रिपोर्ट, ऐसी जगह से, मतलब एक से बढ़कर एक अगर सुनने को मिले, प्रियंका वहर के साथ आपका परिंदा तो मेरा फेवरेट है भाई, मतलब बहुत बहुत प्यारा। लेकिन यहीं पर ना एक गाना है इसी में बेमिसाल करके, उसमें नैज भाई जो है उन्होंने दूसरे कवि की जो है नकल करी है उस गाने में, ठीक है आप समझ ही होंगे। तो किस तरह से देखते हो, मतलब एमसी स्टैन, नाम भी ले सकते हो, एमसी स्टैन, एमसी स्टैन, और जो हमारे दूसरे वाले, मेरे नैज जो है मेरा भाई है, ठीक है, हम हसल में साथ में थे और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरे भाई को कहना था कुछ, उसने मेरे गाने पे कहा और मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ।
एक एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी। एक एक वीडियो थी आपकी जो काफी ज्यादा यूट्यूब पे वायरल भी हुई, जिसमें आप किसी एक घर के बाहर बैठे हुए थे। घर क्यों निकाला? मम्मी नहीं है क्या? एमसी कोड। हाँ जी। तो वो पूरी उसकी बैक स्टोरी क्या थी, ये जानना चाहता था भाई। हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि तुम सब कर लो मेरे साथ, मेरी गर्दन काट दो, पर मेरी माँ के लिए अपशब्द मत इस्तेमाल करो। तो जब आप माँ, किसी की माँ के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हो और मेरी माँ के लिए किसी ने अपशब्द बोले हैं, तो यूपी का खून है यार, बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे मिलने जाना पड़ा था। उसके बाद सिनेरियो क्या हुआ था वहां पर, क्या हुआ था वो तो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। अच्छा, काफी जगह से सुनने में आता है कि कलमकार से आपको ऑफर आया था। कलमकार से मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कलमकार इज लाइक अ फैमिली। मेरे हसल से पहले कलमकार से गाने आए हैं, तो और उनके साथ हसल के बाद भी गाने आए थे। तो बाकी तो बहुत सारी तो इंडिपेंडेंट ही करना या फिर कलमकार के साथ। मैं, मेरा किसी लेबल से कोई वो नहीं है। मेरा गोल है, मेरा, मेरी टीम का, मेरी मैनेजमेंट का यही गोल है कि हम सब कुछ इंडिपेंडेंट करें, ठीक है। और लेबल्स के साथ भी काम करेंगे, ऐसा नहीं हमको कोई प्रॉब्लम है, हम सबके साथ करेंगे। बट मोस्ट प्रिसाइजली हमें इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही करना है। गलत कर्म आपका जो गाना आया था पीछे लगा भी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाना काफी ज्यादा फेमस हुआ, 4.6 मिलियन अगर मैं एग्जैक्ट व्यूज काउंट की बात करूं। ऐसे में एक कंट्रोवर्सी इससे जुड़ी थी, जहां पर आपको याद होगा पीछे महादेव का जो डमरू वाला सीन था। हाँ जी, हाँ जी। और जो गाना है उसमें अब्यूजिव वर्ड्स भी थे जी। तो उस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका उस वक्त क्या चल रहा था पूरा मनोभाव? एफआईआर दर्ज हुई, अभी क्या सीन चल रहा है पूरा का पूरा? मैंने उस गाने में भी बोला था, जिस लाइन पे आयरोनिकली ये सब पूरा कंट्रोवर्सी हुआ कि भोलेनाथ के सर पे है परछाई। तो जिन्होंने कंट्रोवर्सी करी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने गाना तक नहीं सुना है। अच्छा। क्योंकि उस गाने में ये लाइन है कि भोलेनाथ के सर पे है परछाई, ठीक है। तो जब तक मेरे ऊपर भोलेनाथ की परछाई है, तब तक तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बादशाह वर्सेस हनी सिंह। हाँ जी। इस पर क्या राय है? पैंथर। पैंथर? हाँ जी। अच्छा, दोनों से ऊपर? किसी से ऊपर नीचे फिर वही बात है, आप कंपेयर कर रहे हो, किसी से कंपेयर तो करना ही नहीं है। हाँ। बट मेरे को अपना बेस्ट देना है और मैं वही करूंगा। अच्छा, बिग बॉस देखते हैं अपन? हाँ, मतलब वही है कि जब तक अनुराग भाई थे और जब तक मुनावर भाई हैं, तब तक हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वही बात है कि भाई हैं मेरे, तो भाइयों के लिए खड़े हैं। अच्छा, बस वही चीज है। अभी ट्रॉफी मुनावर, मुनावर एनी डे भाई, मुनावर मेरा भाई है, वही चीज है। अच्छा, एक एक चीज सोचने में आती है कि हाँ जी, हाँ जी। एक यूपी के गांव से एक लौंडा निकलता है, ठीक है, जी। हसल में जाता है, मचाता है, फैन फॉलोइंग बढ़ाता है, और फिर उसी स्टेट को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए गाना गाकर स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है, कैसा लगता है, क्या फीलिंग होती है उस टाइम पर? भाई बहुत अच्छा और बहुत ग्रेटफुलनेस, हमेशा बहुत थैंकफुलनेस फील होती है मेरे को कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं, मेरे को लोग इस काबिल समझते हैं मैं, कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुझे बुलाया उनके लिए कॉन्सर्ट करने के लिए, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उस स्टेज पर मैं जा सका और उन्होंने मुझे उस काबिल समझा। तो बहुत अच्छा लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगता है जब ये चीज़ आगे जाती है, और जब ये चीज़ turns out to be starting में support करते थे घर वाले मेरे साथ हमेशा से। हाँ जी, school time से। हाँ, क्योंकि school time पे तो मैं rap करता ही नहीं था, जब मैंने college time पे rap शुरू किया तो उनको दिखा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और जब आप मेहनत करते हो तो घर वालों को दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हो। तो हाँ, मेरे पास तो मतलब हमेशा से support रहा है, पिताजी का, माता जी का, भाई का मेरे। अच्छा, एक छोटा सा rapid fire जो है हमने आपके लिए तैयार किया। एकदम एकदम, चलिए। हसल में favorite mentor कौन था except EPR? बादशाह भैया मेंटोर नहीं थे, वो मेन जज थे, लेकिन बादशाह भैया। ओके। फेवरेट कंटेस्टेंट साथ वालों में से? मेरे सारे ही थे, इसमें मुझे एक नाम ले, एक एक फिर भी एक। स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा, ओके। राइटिंग इंस्पिरेशन? मेरे पिताजी। ओके। बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ टिल डेट? मेरे पिताजी का मैसेज आया था जब मैंने उनको बताया था कि टीवी पे आज एयर हो रहा है, तो उन्होंने मैसेज किया था कि वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट वही है। फेवरेट फूड प्लेस इन दिल्ली? देयर इज नो फूड प्लेस इन दिल्ली, इट इज ऑलवेज लखनऊ। लखनऊ में क्या पसंद? भाई दस्तरखान, टुंडे कबाबी, वाजपेयी जी के पूड़ी चावल, छोले भटूरे और शर्मा की चाय, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, चार ऑप्शन है, इनमें से चूज करना ही है कि कोलैब किसके साथ करेंगे, ठीक है? हाँ जी। एमयूए बनता है, एमसी कोड और एमसी स्टैन,
एक चूज करना पड़े तो कौन सा? बट आपने तो तीन ही ऑप्शन दिए। हाँ तभी फिर भी एमवे बंटा है। एमवे बंटा, हाँ जी हाँ जी ओके। और इसी में कृष्णा बादशाह हनी सिंह। यार इसमें तो मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि तीनों मेरे फेवरेट हैं। एक एक फिर भी एक कृष्णा भाई। कृष्णा भाई हाँ जी। अच्छा एक लास्ट दो लाइन में अगर आपकी लाइफ की मोटिवेशन आपको बयां करनी हो रैप करते हुए तो वो क्या होगी? एक लाइन कहूंगा मैं। हाँ 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 कि I'm not at my best yet। मेरा एक गाना है बहुत आगे पिछली ईपी का okay. तो उसका एक लाइन है कि I'm not at my best yet। तो बस मैं यही पहुंचाना चाहूंगा। बेस्ट क्या होगा तो देखेंगे वक्त के साथ। यार ये तो आपने बातचीत करी लेकिन ये जो गिटार इतनी देर से रखा है और मैं जो इतनी देर से चाहता हूँ वो ये है कि एक गाना जाते जाते जरूर बन जाए हमारी ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं। और परिंदा क्योंकि वो मेरा फेवरेट है अगर गा पाए तो मजा आ जाए। बेशक 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 गाते हैं परिंदा। घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। उड़ा कागा उड़ा आसमान में घर से दूर जाए घर वालों की बात मान के। शुरू रास्ता हुआ तो दिल है हार मान ले पर चलना इकलौता रास्ता जीवन राग सामने। नई जगह नई हवा नए बादल नई वजह धीरे धीरे लगने लगी अपने घोंसले की तरह दूर घर से नया मका। होश ही है कहां पर ये मका तो फिर अक्सर घर पे लौटने की तड़प। परिंदे का घुटे तम परिंदे को मिले तुम मिल के बोले ना कोई हम। परिंदा है भीड़ में पर सुनसान लगे सब। परिंदे को माँ की याद आए पर बोले ना उसे आती है शर्म। परिंदा है परेशान उसे घोंसला न मिले। घर की है उड़ान पर कोई हौसला न मिले। आसमान उड़े तो उसे जोश कहां मिले। दोष देने वाली दुनिया में या दोस्त कहां मिले बता। मारा मारी मची दाने दाने की या होड़ मची नीचे गिरा के बस आगे जाने की। देखने वाली दुनिया नहीं दिखाने वाले की। रोटी कमानी नहीं छीननी है बस खाने वाले की। मिले सबको यहाँ जगह काफी पर पड़े काफी ना ये जगह सबको रूठ के ये गिला। इंसानों में भी काफी मैंने ढूंढे हैं इंसान पर एक भी ना कहीं मुझे ढूंढने पे मिला। घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा साथ में कॉन्वर्जेशन करके। और गाना तो भाई बूम्बा। तो देखिए काफी सारी कॉन्वर्जेशन हुई है लेकिन आपकी फेवरेट कौन सी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आने वाले गानों में से कौन सा किस टॉपिक पर आप भाई से गाना सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच यार। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।